हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अंदर रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व दिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू मोड एक्स। तो इसके अंदर हम बाकी का जो पार्ट है उसको करने से पहले सबसे पहले हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का और y इज इक्वल टू मोड एक्स का। इसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वाई माइनस फोर, और वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ तो इजिली प्लॉट किया जा सकता है। ये वाला जो कर्व है ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई टाइप का है, और यहां पर जो वाई माइनस के है, के मतलब जहां पर उसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, तो ये वाला जो है ये डाउनवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर चले जाएगा, 0-4 पर शिफ्ट हो गया। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, 1-2-3-4, ये 0-4 पर शिफ्ट हो गया। वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ हमें बताइए, ये वाई इज इक्वल टू मोड एक्स आ गया, ये प्लस एक्स वाला पार्ट और ये माइनस एक्स वाला पार्ट। रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व दिस एंड द लाइन y इक्वल टू मोड x। अब इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टचेज द कर्व दिस एंड द लाइन, तो यहां पर इन कर्व के साथ हम कई तरह के सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। ये वाला सर्कल भी प्लॉट कर सकते हैं, ये वाला सर्कल भी प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और एक ऐसा सर्कल भी प्लॉट कर सकते हैं, इस तरह का सर्कल भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट? ओके, अब इसमें से जो हमें सर्कल चूज करना होगा वो ये वाला चूज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो सर्कल है ये इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब ये दोनों लाइनें इसके ऊपर टेंजेंट है और ये सर्कल इस कर्व को भी टच कर रहा है। तो टच करने का मतलब है एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? तो ये सर्कल हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू प्लस एक्स। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका सेंटर देखते हैं क्या है। सेंटर सपोज कर लेते हैं a पॉइंट है, और हम मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है, जो रेडियस है वो लेट से r है, ये भी r हो गया और ये भी r हो गया। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा। ये टोटल लेंथ 4 है क्योंकि ये 0-4 है, तो जो ये लेंथ होगी हमारे पास, ये वाली लेंथ वो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये वाली जो लेंथ है अगर ये r है और ये टोटल 4 है तो ये 4 माइनस r हो गया, राइट? अब हमें ये एक सर्कल पता है, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो भी पता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस तरह की होगी कि सर्कल है हमारे पास और सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और ये सर्कल का सेंटर है ए, 0,4 माइनस आर। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें हमें r को फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम कंडीशन यूज कर सकते हैं कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा टेंजेंट लाइन का वो रेडियस के इक्वल होगा। लाइन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू जीरो और सेंटर है 0,4 माइनस r। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है अगर आपको x1 y1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी लाइन से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो से, तो ये डिस्टेंस हो जाता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो जीरो, एक्स वन की प्लेस पर जीरो है, जीरो माइनस फोर माइनस आर मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन स्क्वेयर रूट टू आ गया, इक्वल टू सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, रेडियस। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी। ध्यान रहे कि r की जो वैल्यू है अगर दो आ रही है तो उसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन रूट टू प्लस वन, जिसे रैशनलाइज करने के बाद रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 4 इंटू रूट टू माइनस वन आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन
4 into root 2 minus 1 करेक्ट हो जाएगा।